नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के काछवा रोड स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में, जहां पर आप देख सकते हैं एक बार फिर आज 2 नवंबर के बाद 10 नवंबर को गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक बार फिर से करनाल पहुंचे हैं अपने बयान दर्ज करवाने के लिए। बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि 28 अगस्त को जो बसाड़ा लाठीचार्ज मामला था उसको लेकर पहले भी अपने बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे 2 नवंबर को, लेकिन उस दिन पूरी बात नहीं हो पाई थी, पूरे बयान नहीं दर्ज हो पाए थे, जिसके बाद उस दिन भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि दोबारा से मैं आऊँगा 10 नवंबर को और उसके बाद आगे की भी रणनीति बताई जाएगी, क्योंकि इस 26 नवंबर की बात की जाए तो इस पूरे किसान आंदोलन को एक साल हो जाएगा और उसके बाद अब अगली रणनीति क्या रहने वाली है किसानों की, वो भी एक बार जान लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पिछली बार 2 नवंबर को आपने कहा था कि 10 को मैं पूरी बात कहूँगा कि क्या मैंने अंदर बयान दर्ज करवाया, क्या कुछ मेरी बातचीत रही? पूरा बयान हमने दे दिया है और सारी जो सीडी हैं वो हमने दे दी हैं, वीडियो सीडी में डाल के वो दे दी हैं, फ़ोटो दे दी हैं, अपना बयान दर्ज करवा दिया है और जो जो कसूर उन्होंने किया है, जो जो गलती SDM ने या पुलिस वालों ने की है, वो सारी हमने दर्ज करवा दी। सर, बड़ी बात यह है कि बयान दर्ज तब होते हैं जब मौके पर मौजूद हों, यानी कि जो किसान वो यहाँ पर आए थे जो मौके पर मौजूद थे, यानी कि जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, आप तो मौके पर भी मौजूद नहीं थे, तो इन लोगों ने यानी कि जांच आयोग ने आपको बुलाया, आपने खुद से ये डिमांड रखी कि मुझे भी अपने बयान दर्ज करवाने? नहीं, मेरे को तो करवाना ही थे ना, एक अगवा होने के नाते बयान तो दर्ज करवाना ही थे, उन्होंने मेरे को बुलाया है और जो मौके पे थे उन्होंने अपने तरीके के बयान दिए हैं और मैंने अपने तरीके के बयान दिए हैं, जैसे सभी का फ़ोटो, घायलों की फ़ोटो, सारे मौके की वीडियो, वो तो मेरे को ही देनी थी ना, वो सारी दी हैं और अपने बयान दिए। आपकी लीडरशिप में ये आंदोलन चल रहा है, इस वजह से आप? इस वजह से। सर, एक बात ये भी जानना चाहूँगी, आपका इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान ये कहना था कि कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन अब ये खबर निकल कर सामने आई है कि आपने पंजाब में कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, पंजाब में तो चुनाव लड़ने की तैयारी है, इसको किस तरह से बताएंगे? क्या आपने कोई मेरा एक बयान भी सुना है कि मैं पंजाब में चुनाव लड़ रहा हूँ? सुना है क्या? मैं पंजाब से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन कोई चुनाव का बहिष्कार थोड़ा ही कर दिया है, चुनाव में पंजाब के लोगों को कह रहे हैं कि इनके रवायती जो पार्टियां हैं उनको किनारे कर दो, इस बार अपने उम्मीदवार खड़े। लेकिन आपका तो यही कहना था कि हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है इस किसान आंदोलन के चलते, तो ये राजनीतिक एजेंडा हो गया? ये राजनीतिक चुनाव लड़ना तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखिए उस बात को किस तरह से आप पेश करते हैं तो आपका काम है, लेकिन अब हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं फिर तो आप उसको राजनीति बोल दोगे? अब बीजेपी सत्ता में, हम ये कहें कि बीजेपी को हराओ, आप उसको भी राजनीति बोल दोगे? और है भी वो, क्योंकि हम किसी को हराने की बात कर रहे हैं, और फिर हम किसी को वोट डालने जाएंगे, आप बोलोगे आप वोट क्यों डाल रहे हो, आप इधर वाले को डाल रहे हो, इधर वाले को क्यों डाल रहे हो, राजनीति हो जाएगी। जब वोट किसानों की है तो राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि राजनीति का मतलब कोई मड़ाई खाना है, राजनीति का मतलब है पंजाब के लोगों को तैयार कर रहे हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए? 100 बार तो बोल दिया और उसके बाद फिर 101वें बार में फिर पत्रकार यही सवाल करता है, अब आपको क्या वहम पड़ गया है? मेरे को नहीं पता जी, बातें जो सामने आ रही हैं उसी को लेकर ही सवाल? नहीं, सामने नहीं आ रही ना, सामने जो बात दूसरी आती है वो भी तो आप बताओ ना, आप इस बात को एडवर्टाइजमेंट करोगे गुरनाम सिंह ने 100 बार के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर क्यों अगला खबर क्यों दे रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं? सर, मंडियों के हालात की बात की जाए तो हरियाणा सरकार को लगता है कि हरियाणा में जितने किसान हैं उनकी धान की खरीद हो चुकी है, अब जो किसान आ रहे हैं वो बाहर से हैं, वो बेचारे 3-3 दिन वहाँ परेशान हो रहे हैं, ना उनके पेट में रोटी जा रही है, ना रहने की कोई व्यवस्था है, ना कुछ सोने की कोई व्यवस्था है, क्या कहेंगे इस बारे? महाभ्रष्ट सरकार है, सरकार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए, महाभ्रष्ट सरकार है, निचले नहीं, यूपी से धान आ रहा है, 35 ट्रक पकड़े गए एक दिन, कहाँ गए वो पकड़ने के बाद, फिर भी के क्यों बिकने दिए? बिहार से, उत्तर प्रदेश से चावल आया, कुटा हुआ चावल, और वो सेलर में उतर रहा है और हमने पकड़वा दिया, किसी एक का चला 20 बार पकड़वा लिया, किसी एक का चला आज तक किया हो तो बता दीजिए। पिछले बार हरियाणा में 25 लाख टन धान पैदा हुआ, 69 लाख टन बिका,
कौन सी सरकार की आंखें फूट गई कि 25 लाख टन पैदा हो रहा है, 69 लाख टन बिक रहा है, आखिर कहां से आया? भ्रष्ट लोग हैं, वहां से 1200 रुपए में खरीद रहे हैं, सरकार के नेताओं को दलाली देते हैं और वहां से खरीद के यहां पे ले आके वहीं चौड़ कूट के लाते हैं। ये धान का तो छोड़िए, वहीं पे सेलर लगा लिए, यहां के लोगों ने वहां पे सेलर लगा लिए, वहां चावल कटाई करते हैं, सीधा चावल खरीद के ले आते हैं और यहां जाली पर्चे काटते हैं। मैंने शिकायत कर ली, आज तक नहीं सुनी किसी ने। सर, आपकी लीडरशिप में इस पूरे आंदोलन को, एक साल होने वाला है 26 नवंबर को, दिन कुछ ही बाकी हैं, क्या कुछ रणनीति आगे के लिए रहने वाली है, क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए, 29 तारीख को संसद पे जाने का प्रोग्राम बनाया है, कल मीटिंग थी और उसमें जो पास हुआ है सभी का मिला के वो ये पास हुआ है कि 29 तारीख से सेशन चलेगा और 29 तारीख को सेशन पे जाएंगे और रोजाना वहाँ पे जब तक सेशन चलेगा तब तक जाते रहे। आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी का यही कहना था, संयुक्त किसान मोर्चा का यही कहना था कि हम संसद पर जाएंगे, लेकिन किसानों को आगे जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा वो अपने आप में एक बड़ी बात ज़रूर है। हालांकि यहाँ पर 10 नवंबर को एक बार फिर से 2 नवंबर के बाद अपने बयान दर्ज करवाने आए थे, क्योंकि 28 अगस्त को जो लाठीचार्ज मामला हुआ था उसके बाद जांच आयोग का गठन किया गया था, जांच आयोग बनाया गया था जिसमें हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं और जो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के जो पूर्व चेयरमैन हैं सोमनाथ अग्रवाल, उनको कहा गया था कि इसमें पूरे बयान दर्ज किए जाएंगे और उनकी सिलेक्शन भी खुद किसानों ने ही की थी कि वो बयान दर्ज होंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 34 किसानों को नोटिस दे दिए गए थे जिसमें से 21 किसान अब तक सामने आए हैं जिन्होंने बयान दर्ज किया, और उन डॉक्टर्स को भी जल्द बुलाया जाएगा जो उस टाइम पर जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उनका डॉक्टर्स ने इलाज करवाया था। और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में जो अधिकारी हैं, चाहे DC हो, चाहे SP हो, चाहे SDM हो, उनको भी बुलाया जाएगा जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाए, धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से, और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के काछवा रोड स्थित PWD रेस्ट हाउस में, जहां पर आप देख सकते हैं एक बार फिर आज 2 नवंबर के बाद 10 नवंबर को गुरनाम सिंह चढ़ूनी एक बार फिर से करनाल पहुंचे हैं अपने बयान दर्ज करवाने के लिए। बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि 28 अगस्त को जो बसाड़ा लाठीचार्ज मामला था उसको लेकर पहले भी अपने बयान दर्ज करवाने के लिए पहुंचे थे 2 नवंबर को, लेकिन उस दिन पूरी बात नहीं हो पाई थी, पूरे बयान नहीं दर्ज हो पाए थे, जिसके बाद उस दिन भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा था कि दोबारा से मैं आऊँगा 10 नवंबर को, और उसके बाद आगे की भी रणनीति बताई जाएगी, क्योंकि इस 26 नवंबर की बात की जाए तो इस पूरे किसान आंदोलन को एक साल हो जाएगा, और उसके बाद अब अगली रणनीति क्या रहने वाली है किसानों की वो भी एक बार जान लेते हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? पिछली बार 2 नवंबर को आपने कहा था कि 10 को मैं पूरी बात कहूँगा कि क्या मैंने अंदर बयान दर्ज करवाए, क्या कुछ मेरी बातचीत रही? पूरा बयान हमने दे दिया है और सारी जो CD हैं वो हमने दे दी हैं, वीडियो CD में डाल के वो दे दी हैं, फ़ोटो दे दी हैं, अपना बयान दर्ज करवा दिया है, और जो जो कसूर उन्होंने किया है, जो जो गलती SDM ने या पुलिस वालों ने की है वो सारी हमने दर्ज करवा दी। सर, बड़ी बात यह कि बयान दर्ज तब होते हैं जब मौके पर मौजूद हों, यानी कि जो किसान वो यहाँ पर आए थे जो मौके पर मौजूद थे, यानी कि जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, आप तो मौके पर भी मौजूद नहीं थे, तो इन लोगों ने, यानी कि जांच आयोग ने आपको बुलाया, आपने खुद से ये डिमांड रखी कि मुझे भी अपने बयान दर्ज करवाने? नहीं, मेरे को तो करवाना ही थे ना, एक अगवा होने के नाते बयान तो दर्ज करवाना ही थे, उन्होंने मेरे को बुलाया है और जो मौके पे थे उन्होंने अपने तरीके के बयान दिए हैं और मैंने अपने तरीके के बयान दिए हैं, जैसे सभी का फ़ोटो, घायलों की फ़ोटो, सारे मौके की वीडियो, वो तो मेरे को ही देनी थी ना, वो सारी दी हैं और अपने बयान दिए। आपकी लीडरशिप में ये आंदोलन चल रहा है, इस वजह से आप? इस वजह से। सर, एक बात ये भी जानना चाहूँगी, आपका इस पूरे किसान आंदोलन के दौरान ये कहना था कि कोई भी राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन अब ये खबर निकल कर सामने आई है कि आपने पंजाब में कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, पंजाब में तो चुनाव लड़ने की तैयारी है, इसको किस तरह से बताएंगे? क्या आपने कोई मेरा एक बयान भी सुना है कि मैं पंजाब में चुनाव लड़ रहा हूँ? सुना है क्या?
मैं पंजाब से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन कोई चुनाव का बहिष्कार थोड़ा ही कर दिया है। चुनाव में पंजाब के लोगों को कह रहे हैं कि इनके रवायती जो पार्टियां हैं उनको किनारे कर दो, इस बार अपने उम्मीदवार खड़े। लेकिन आपका तो यही कहना था कि हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है इस किसान आंदोलन के चलते, तो ये राजनीतिक एजेंडा हो गया? ये राजनीति चुनाव लड़ना तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, देखिए उस बात को किस तरह से आप पेश करते हैं तो आपका काम है, लेकिन अब हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं फिर तो आप उसको भी राजनीति बोल दोगे? बीजेपी सत्ता में, हम ये कहें कि बीजेपी को हराओ, आप उसको भी राजनीति बोल दोगे? और है भी वो, क्योंकि हम किसी को हराने की बात कर रहे हैं, और फिर हम किसी को वोट डालने जाएंगे, आप बोलोगे आप वोट क्यों डाल रहे हो, आप इधर वाले को डाल रहे हो, इधर वाले को क्यों डाल रहे हो, राजनीति हो जाएगी। जब वोट किसानों की है तो राजनीति का मतलब ये नहीं होता कि राजनीति का मतलब कोई मलाई खाना है, राजनीति का मतलब है पंजाब के लोगों को तैयार कर रहे हैं। मैं कहाँ जा रहा हूँ वहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए? 100 बार तो बोल दिया, और उसके बाद फिर 101वें बार में फिर पत्रकार यही सवाल करता है। अब आपको क्या वहम पड़ गया है मेरे को नहीं पता जी। बातें जो सामने आ रही हैं उसी को लेकर ही सवाल? नहीं, सामने नहीं आ रही ना, सामने जो बात दूसरी आती है वो भी तो आप बताओ ना। आप इस बात को एडवर्टाइजमेंट करोगे गुरनाम सिंह ने 100 बार के लिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर क्यों अगला खबर क्यों दे रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं? सर, मंडियों के हालात की बात की जाए तो हरियाणा सरकार को लगता है कि हरियाणा में जितने किसान हैं उनकी धान की खरीद हो चुकी है, अब जो किसान आ रहे हैं वो बाहर से हैं, वो बेचारे 3-3 दिन वहाँ परेशान हो रहे हैं, ना उनके पेट में रोटी जा रही है, ना रहने की कोई व्यवस्था है, ना कुछ सोने की कोई व्यवस्था है, क्या कहेंगे इस बारे? महाभ्रष्ट सरकार है, सरकार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिए, महाभ्रष्ट सरकार है। निचले नहीं, यूपी से धान आ रहा है, 35 ट्रक पकड़े गए एक दिन, कहाँ गए वो पकड़ने के बाद, फिर भी के क्यों बिकने दिए? बिहार से, उत्तर प्रदेश से चावल आया, कुटा हुआ चावल, और वो सेलर में उतर रहा है, और हमने पकड़वा दिया, किसी एक का चला 20 बार पकड़वा लिया, किसी एक का चलान आज तक किया हो तो बता दीजिए। पिछले बार हरियाणा में 25 लाख टन धान पैदा हुआ, 69 लाख टन बिका, कौन सी सरकार की आंखें फूट गई कि 25 लाख टन पैदा हो रहा है 69 लाख टन बिक रहा है, आखिर कहां से आया? भ्रष्ट लोग हैं, वहां से 1200 रुपये में खरीद रहे हैं, सरकार के नेताओं को दलाली देते हैं और वहां से खरीद के यहां पे ले आके वहीं चौड़ कूट के लाते हैं जी, धान का तो छोड़िए, वहीं पे सेलर लगा लिए, यहां के लोगों ने वहां पे सेलर लगा लिए, वहां चावल कटाई करते हैं, सीधा चावल खरीद के ले आते हैं और यहां जाली पर्चे काटते हैं। मैंने शिकायत कर ली, आज तक नहीं सुनी किसी ने। सर, आपकी लीडरशिप में इस पूरे आंदोलन को, 1 साल होने वाला है 26 नवंबर को, दिन कुछ ही बाकी हैं, क्या कुछ रणनीति आगे के लिए रहने वाली है, क्या सोचा है आप लोगों ने? देखिए 29 तारीख को संसद पे जाने का प्रोग्राम बनाया है, कल मीटिंग थी और उसमें जो पास हुआ है सभी का मिला के वो ये पास हुआ है कि 29 तारीख से सेशन चलेगा और 29 तारीख को सेशन पे जाएंगे और रोजाना वहाँ पे जब तक सेशन चलेगा तब तक जाते रहे। तो आप देख सकते हैं कि 26 नवंबर को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी का यही कहना था, संयुक्त किसान मोर्चा का यही कहना था कि हम संसद पर जाएंगे, लेकिन किसानों को आगे जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा वो अपने आप में एक बड़ी बात ज़रूर है। हालांकि यहाँ पर 10 नवंबर को एक बार फिर से 2 नवंबर के बाद अपने बयान दर्ज करवाने आए थे, क्योंकि 28 अगस्त को जो लाठीचार्ज मामला हुआ था उसके बाद जांच आयोग का गठन किया गया था, जांच आयोग बनाया गया था, जिसमें हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं और जो हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के जो पूर्व चेयरमैन हैं सोमनाथ अग्रवाल, उनको कहा गया था कि इसमें पूरे बयान दर्ज किए जाएंगे और उनकी सिलेक्शन भी खुद किसानों ने ही की थी कि वो बयान दर्ज होंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 34 किसानों को नोटिस दे दिए गए थे, जिसमें से 21 किसान अब तक सामने आए हैं जिन्होंने बयान दर्ज किया, और उन डॉक्टर्स को भी जल्द बुलाया जाएगा जो उस टाइम पर जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था उनका डॉक्टर्स ने इलाज करवाया था। और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में जो अधिकारी हैं, चाहे DC हो, चाहे SP हो, चाहे SDM हो, उनको भी बुलाया जाएगा जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे। आप सभी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBAN 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।